हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिमांड के ऊपर, और हमने जो कहा था पिछली बार, क्योंकि हमने वाकया मिराज की एक वीडियो देखी थी जो कि हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मतलब उस वीडियो से हमें समझ में नहीं आया था। उन्होंने कुछ हार्ड वे में बताया था, या फिर पुरानी वीडियो पढ़ी है वाकया मिराज की, और वो चैनल पे है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा क्या हमें उसके अंदर दिक्कत आई थी। वो चीज़ अगर आप देखोगे तो देख लेना, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, उस वाले वीडियो का। और हम फिलहाल जो फिर लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि जो आपको वीडियो बनानी है, देखनी है, अगर आप समझना चाहते हो इस वाले वाकया मिराज को, तो आप बाय वो साबे मिराज बाय मौलाना तारिक जामिल जी की वीडियो देखिए। और इनकी वीडियो तो हम देखते ही देखते हैं, क्योंकि हमें हाँ बहुत पसंद है हमें ये। तो फिलहाल हम यही वाली वीडियो देखने चाहते हैं, साबे मिराज आसमानों का सफ़र, मौलाना तारिक जामिल, ये वाली वीडियो देखना चाहते देख रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो कितनी अंडरस्टैंडिंग लगी और कितना अच्छा लगा इस वाली वीडियो को देख के। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अल्लाह ने सारी शरीयत आसमान से उतारी, नमाज देने के लिए मेराज पे बुलाया, सातों आसमान पार करके। पहले आसमान पर जब आप पहुँचे तो आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार, दूसरे आसमान पर पहुँचे तो यहया ज़करिया ईसा वेलकम इस्तकबालिया जमात, तीसरे आसमान पर पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम। ये सब इस्तकबालिया जमात थी, जैसे अभी आप लोगों ने गेट पर खड़ी की हुई थी इस्तकबालिया जमात। सातवें आसमान पर पहुंचे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वहां से आगे गए तो सिदरतुल मुंतहा, कायनात का बॉर्डर, एंड ऑफ द यूनिवर्स, एंड ऑफ द यूनिवर्स। और वहां जाके वो जिब्रील का ठिकाना है, वहां जाके जिब्रील कहने के, या रसूलल्लाह इससे आगे मैं इतना भी गया तो जल के राख हो जाऊंगा, इतना भी ऊपर गया यानी मेरे पास आगे वीज़ा कोई नहीं, आप जाएं, आपका रब आपको ले जाए। आगे आप कैसे गए वो अल्लाह जानता है, या अल्लाह का रब जान, या अल्लाह का नबी जानता है। तो उसके बाद आपने ऊपर का सफ़र शुरू किया और अर्श के दरवाज़े खुले, पहली दफ़ा अर्श के दरवाज़े खुल रहे हैं और अल्लाह का अर्श झूम रहा है कि आज कोई आ रहा है, और वजद में है, रक्स में है, मस्ती में है, शौक में है, कोई आ रहा है। आपके कदम मुबारक अर्श की सतह पर लगे, और अर्श और अल्लाह के दरमियान लामहदूद पर्दे नूर के हैं। मेरे अल्लाह ने सारे पर्दे हटा कर फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ए मेरे महबूब नबी, आपका रब आपको सलाम पेश करता है, सुभान अल्लाह। और फिर आपने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरे रब, मेरी जान, मेरा माल, मेरा सब कुछ, मेरा बोल, सब तेरे लिए, मेरी हर बंदगी तेरे लिए, वो जानी हो, माली हो, जबानी हो, सब तेरे लिए। इस पर अल्लाह ने खुश होकर कहा अस्सलामु अलैक अय्युहन, अस्सलामु अलैकुम नहीं, अलैक, सिर्फ आपको आपका रब सलाम पेश कर रहा है। अलैकुम में था होता आप सबको, सबको नहीं, सिर्फ आपको, मेरा, मेरे महबूब, आपका रब सिर्फ आपको ये इज्जत दे रहा है कि आपको आपका रब सलाम पेश करता है, आप पर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हों। फिर अपने नबी पे कुर्बान जाओ, उन्होंने उम्मत को शामिल कर लिया, अच्छा या अल्लाह वो तो तेरी शान बेनियाजी है, आपने मुझे अपनी रहमत से नवाज कर कहा अस्सलामु अलैका, पर अब मैं कहता हूँ मेरी कबूल कर लेना, अस्सलामु अलैना, मेरे ऊपर और मेरी उम्मत पर भी तेरा सलाम आ जाए। क्या नबी अल्लाह ने दिया, सुभान अल्लाह, आपने फौरन उम्मत को शामिल किया, अस्सलामु अलैना, याला हम सब पर, हम सब पर, पूरी उम्मत पर तेरा सलाम हो, पूरी उम्र पर तेरा सलाम हो। वहाँ जो तोहफा दिया, बहुत सी बातें हुई, एक अजीज सुनाता हूँ फिर नमाज की बात करता हूँ। अपने अर्ज़ की, या अल्लाह इब्राहिम आपके खलील थे और मूसा आपके कलीम थे, और दाऊद के लिए लोहा नरम था, सुलेमान के लिए हवा ताबे थी,
اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا یلا وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. آپ کو میرا ساتھ مل گیا ہے، آپ کو میرا قرب مل گیا ہے. لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو. اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے. جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے. یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں. تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا. جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی. اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی. اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا. اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں. پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا؟ وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو ہیں، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں. جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا فا جیم چے زال زا شین زواد زا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں. اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں. تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے. ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا. خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو. لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں. ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے. تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر. اب دوسری مناسبت، اللہ چار حرف، الف لام لام ہا، محمد چار حرف، میم ہا میم دال، احمد چار حرف، الف ہا میم دال. تو اللہ چار، محمد چار، احمد چار حرف. یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے. اللہ کے چار حرف، محمد کے چار 8، احمد کے چار 12. جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں. تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے. وہاں 50 نمازیں دیں، میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا. ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے. میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج. ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا.
आगे मूसा अलैहि सलाम खड़े थे, हुजूर कैसी रही मुलाकात, कब 50 नमाजें मिली। कहने लगे तौबा तौबा, कौन पढ़ेगा, अल्लाह के वास्ते वापस जाएं, थोड़ी करवा के लाएं। तो आप छठे आसमान पे पहुंच चुके थे, सिदरतुल मुंतहा से छठा आसमान, लाखों करोड़ों साल का फासला, लेकिन वो यूं तय हो रहा था। वापस गए, या अल्लाह कोई थोड़ी कर ले, खफ़ अन उम्मती। तो अल्लाह कहता चलो ठीक है, हमने 5 ही देनी है, 45 माफ़। नहीं, अल्लाह का 5 माफ़, 45 लेके वापस भेज दिए। आगे फिर मूसा अलैहि सलाम खड़े हो चुके, अल्लाह के नबी ने फिर नहीं कहा कि थोड़ी करें, हाँ जी कितनी, क्या हुआ, का 5 माफ़ हो गई। क्या नहीं, ये मैं मिन्नत करता हूँ, अब वापस जाएँ, इन्होंने कोई नहीं पढ़नी, बहुत ज़्यादा हैं। फिर वापस अल्लाह ने फिर 40 उड़ाने की बजाय अल्लाह ने कहा अच्छा 5 माफ़, तो 40 हो गए। फिर मूसा अलैहि सलाम ने हाथ जोड़े तो उन्होंने कहा अच्छा 5 माफ़, तो 35 हो गई। फिर मूसा अलैहि सलाम, एक दफ़ा मेरे नबी ने ख़ुद नहीं कहा, सुभान अल्लाह, आपकी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अर्रिज़ा बादल क़ज़ा, या अल्लाह मुझे अपनी तकदीर पे राज़ी कर ले, जो तू कहे मैं सर झुका दूँ उसके सामने, मेरा काम ही हो तेरे आगे सर झुका दें। 35 या रसूल वापस, अल्लाह ने कहा चलो 5 और कम, 30। फिर वापस उन्होंने भेजा, फिर 5 और कम, चलो मेरे महबूब 25। फिर वापस, चलो मेरे महबूब 20। फिर वापस, मेरे महबूब 15। फिर वापस, मेरे हबीब 10। फिर वापस, मेरे हबीब 5। 5 पे आ गए, अब पहुँचे, अब मूसा अलैहि सलाम कहने गए अब क्या हुआ, का 5 रह गई, का कोई नहीं पढ़नी, सुपीरियर दे लड़के हैं कोई नहीं पढ़नी, एक की पढ़ेंगे वो भी यहाँ था कि जुमे की नमाज। नमाज आपको फाउंडेशन देगी, कुरान की तिलावत आपको फाउंडेशन देगी, हज ज़कात रोज़ा आपको फाउंडेशन देगा, लेकिन जो बिल्डिंग बनेगी उस बिल्डिंग का नाम है अच्छे अखलाक, उस बिल्डिंग का नाम है हुस्न अखलाक। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे अखलाक मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ, और किसी भी मर्द औरत का जो एक मेकअप नहीं होता, मेकअप करते हैं, मेकअप की मुराद सर्वे देने का सुर्खी पाउडर था पिलाओ, हम नहाते हैं ये भी मेकअप है, हम कपड़े बदलते हैं ये भी मेकअप है, हम जुमा की तैयारी करते हैं ये भी मेकअप है, और आगे लड़की औरत को ज़ेब व ज़ीनत की इजाज़त है तो थोड़ा सा और आगे कर लेती है, ये सारा मेकअप है। तो लेकिन ये सारे आर्जी हैं, वो मेकअप जो आपको इतना हसीन बनाए कि लोग आप पे फिदा हो जाएं, वो मेकअप जिसको पसीना ना ले जाए, बुढ़ापा ना ले जाए, जिसको बीमारी ना ले जाए, जिसको मौत भी ना ले जाए, वो मेकअप हैं मेरे आपके अच्छे अखलाक, मेरे नबी वाले अखलाक। मेरे नबी ने फरमाया इन्नमा बुअस्तु लुउतम्मिमा मकारिम अल अखलाक, मैं भेजा गया हूँ तुम्हारे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए। और 90% अखलाक, सब नौजवान बच्चे बच्चियाँ बैठे हो मुझे देखो, 90% अखलाक यहाँ छुपे हुए हैं, यहाँ। अगर आप अपनी ज़बान पे लुकमान अलैहिस्सलाम का फरमान, लुकमान अलैहिस्सलाम जिनके नाम पे सूरत आई है कुरान में, बेटा मैं चुप रहने पे कभी नहीं पछताया, मैं हमेशा अपने बोल पे पछताया, जब भी मुझे शर्मिंदगी हुई अपने बोल पर हुई, खामोश रहने पे कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। मेरे नबी ने फरमाया अबू ज़र अला उम्बियो कब अमालैन खफीफिन मऊनतुहुमा अज़ीमिन अज्रुहुमा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लम यात थक़लान बिमिस्लिहिमा। अबू ज़र तुम्हें दो काम बताता हूँ, अगर तू कर गया ना तो अल्लाह की कसम तेरे जैसा पूरे मैदान माशर में एक भी नहीं होगा, सिवाय उसके जो ये कर ले, और कोई नमाज रोज़े हज ज़कात जिहाद से तुझे नहीं पकड़ सकता। कहा जी क्या है, कहा एक इस पे काबू पाना, एक अखलाक अच्छे रख, एक ज़बान पे काबू, एक अखलाक अच्छे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो करके दिखाया कि पूरा पूरा महीना गुजर जाता था किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते थे कि कहीं कोई सख्त बोल ना निकल जाए, महीना महीना टेप लगा के रखते थे, ऐसी अल्लाह ने ताकत बख्शी।
ऐसी अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत बख्शी। साहबे मिराज वाली वीडियो मौलाना तारिक जामिल साहब जी की ख़त्म हो गई है, और जो पहले वाली वीडियो थी मतलब हमें ज़्यादा अंतर तो नहीं समझ में आया मतलब, बट पर हाँ ये है कि इन्होंने फिर भी बेहतर तरीके से बताया है उस वाली से, बट ये वाली भी हमें मतलब ये वाला जो वाक्या है साबे वाक्य साबे मिराज जो भी है मतलब ये हमें किसी ने भी मतलब अब इनकी वीडियो भी देखी हमने और समझने की कोशिश की, बट हमें उस वे में समझ में नहीं आया। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ही वर्ड यूज़ किए हुए उर्दू के, कमेंट में समझाए थोड़ा बहुत, कमेंट में बताइए या लिख के बताइए या समझाइए कि ये वाला हम किस की वीडियो देखे जो हमें थोड़ा बहुत समझ में आए, क्योंकि थोड़ा तो आ गया बट कंप्लीट वे में नहीं आ पा रहा कि मतलब हाँ कि ये क्या था वाक्य मिराज जो था ये क्या था जो मतलब ओरिजिनल अगर मैं देखना चाहूँ तो। और बाकी तो वीडियो बहुत अच्छी थी, बाकी इन्होंने ठीक समझाया है, कोशिश की है तो हाँ, इनको हमें सुनना वैसे पसंद है बाकी नॉर्मली। और आपसे फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो पुराने वाली हमने वाकई मिराज पे वीडियो बनाई थी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। और हमने एक नया चैनल बनाया हुआ है जिस पे एक ही वीडियो पड़ी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने कहा आप उसको हाँ मेकिंग ब्लॉपर्स उस चैनल का नाम है, आप जाइए देखिए हमारी एक वीडियो देखिए बताइए कैसी लगी वो वीडियो, और उस पे आपको क्या आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हो उस पे बनाएं हम कि किस टाइप की वीडियो लाए आगे। बाकी ये वाली वीडियो आपने देखी है आपको बताइए आप कैसी लगी, और शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर अगर नहीं हो तो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा करो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।